रंग बदलने में माहिर गिरगिट को तो आप सब जानते ही होंगे। ये जहाँ जाते हैं उस हिसाब से अपने रंग बदल लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है ये गिरगिट ही रंग क्यों बदलते हैं? इसके अलावा और कोई जीव रंग क्यों नहीं बदलते, और गिरगिट के पास इतना रंग कहाँ से आया? ये सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको। लेकिन गिरगिट के अलावा एक जीव ऐसा भी है जो रंग बदलने लगा है, वो है मेंढक। जी हाँ, अब मेंढक भी अपने रंग बदल रहे हैं। मेंढक को तो रंग बदलते कभी नहीं देखा, लेकिन अब वो भी रंग बदलने लगे हैं। ये रंग कैसे बदलने लगे, इसके साथ क्या हुआ, ये सब बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले गिरगिट के बारे में जान लेते हैं। गिरगिट अपने रंग कैसे बदलते हैं? गिरगिट अपना रंग तापमान और प्रकाश के वजह से भी बदलता है। इसकी त्वचा में खास तरह के क्रोमेटोफोर्स कोशिकाएं होती है, इसी के वजह से गिरगिट अपनी जरूरत के हिसाब से रंग बदलता है। जब गिरगिट की कोशिकाएं सिकुड़ती और फैलती है तो उसके दानेदार पिगमेंट में बदलते हुए रंग दिखाई देते हैं। दरअसल गिरगिट को जब गुस्सा आता है या डर लगता है तो उसका नर्वस सिस्टम कोशिकाओं को संदेश भेजता है और इससे गिरगिट काले रंग का हो जाता है। अपने वातावरण के हिसाब से ये और भी रंग में बदलते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में ये डार्क लाइट कलर के हो जाते हैं, जिससे किरणें रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और गर्मी कम लगते हैं। ठंडे के मौसम में ये काले रंग के हो जाते हैं, क्योंकि काले रंग हीट ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे इन्हें ठंडे में राहत मिलते हैं। क्या मेंढक भी ऐसा करते हैं? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अब मेंढक भी रंग बदल रहे हैं। दरअसल बात यह है कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मेंढक का रंग बदला बदला नजर आने लगा है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले इलाके में पेड़ पर पाए जाने वाले हरे रंग के मेंढक के जगह चमकीले नीले रंग के मेंढक को देख वैज्ञानिक हैरान हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार मेंढक में यह बदलाव दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से मेंढक के कुछ स्किन पिगमेंट गायब हो गए हैं। लिटोरिया नामक प्रजाति का यह मेंढक पेड़ों पर पाया जाता है। इसकी पुष्टि ऑस्ट्रेलियाई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसी ने की है। इस प्रजाति के मेंढक की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर तक होते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एक बात, कैसा लगा कमेंट करना नहीं भूलना।